फोर्थ क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर की वर्ड ऑफ फिगर्स आई वुड रिकमेंड ये एनसीईआरटी का है सर हमारे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से शुरू हो जाएंगे अच्छा सभी को बताओ सर सर के लिए करा दूंगा बताया सर मेरा हाफ रेडी का You are from US. I don't know about the question. You are from US. Is it equal to QT upon KR? And angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. Full stop. Show that. Triangle PQS is similar to triangle DQR. Similar to triangle DQR. But देखिएगा जो figure दे रखी है figure बना रहा हूँ एक बार यार. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के क्वेश्चंस करे थे और उसके बाद मैंने आपको सिर्फ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखवाया था ठीक है ना मैंने क्वेश्चंस तो नहीं करवाए थे ना अभी उसके ठीक है आपके बैच में करा रखे उधर नहीं करवाया उधर सिर्फ क्राइटेरिया लिखवाया था चलिए जी आप जरा देखिएगा देखो भैया अगर मैं ये बोलूँ कि ये ट्राइंगल है ना पी क्यू आर इसकी बात करते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन ये दे रखा है और एंगल वन के ठीक सामने वाली साइड क्या है पी आर PR और एंगल टू के ठीक सामने वाली साइड क्या PQ तो PR इज इक्वल टू PQ ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 PR इज इक्वल टू PQ अब इसके बाद देखिएगा अब ये कहेंगे कि यहाँ पर एक चीज इन्होंने ये QR अपॉन US इज इक्वल टू QT अपॉन PR दे रखी है ना अब लिखिएगा जो दो ट्राइंगल पर सिमिलर प्रूव करना है जरा उन पर आ जाइए तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQS इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल DQR ट्राइंगल PQS और ट्राइंगल DQR हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं अब मैं दो ट्राइंगल्स की बात करता हूँ तो आप ये देखिए कि PQ और TQ क्या इसका रेशो दे रखा है कुछ नहीं है QS और क्यू आर इसका रेशो दे रखा है क्यू एस और क्यू आर का ठीक है तो इसको अभी देखते हैं
हम ये कहेंगे गिवन गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर तो ऐसे सिमिलैरिटी तुम आगे आ जाओ ना
लगातार तो बोले जा रहे हो, पढ़ने में मन नहीं है तुम्हारा, आवाज़ है तुम्हारी लगातार आ रही है तब से। ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, यही हमको प्रूव करना है, बताऊंगे सभी को क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर के बाद कौन सा बता रहे थे, सिक्स, सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, इन फिगर 6.37 congruent to triangle ACD. Congruent to triangle ACD, comma show that. Reciprocal क्यों किया था? Reciprocal इसलिए किया था ताकि QS ऊपर आ जाए, QS क्योंकि मैंने पहले ना PQS लिखा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ इसकी साइड न्यूमरेटर पे आ जाए, है ना, और क्यू आर जो है वो इसकी साइड थी तो वो डिनोमिनेटर में, ऐसे पी क्यू अपॉन टी क्यू करेंगे तो पी क्यू इसकी साइड है, टी क्यू इसकी साइड है, उसको करने के लिए क्लियर अभी। अच्छा जी, अब आगे इसमें क्या बोल रहे हैं, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, तो ये ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ये दे रखा है हमको, अब हमको ये प्रूव करना है यहाँ पर कि ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, और एक चीज आपको दे रखी है कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है। हाँ जी बताओ क्या सर में पेन, हाँ चल जाए इससे ना दोबारा से, पता है क्या पता चल रहा है कि तुम्हारा तीनों को ना पढ़ाई में मन नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा मन नहीं है, जो आपने लिखा है सारा कर रखा है मैंने, सारा लिख दिया पूरा, बात लगा रहा है तो तुम मतलब बिना बात की बात कर, तुम आगे बैठ जाओ, जब रिजल्ट खराब आएगा ना फिर पछताना। फिर याद आएगा कि पढ़ाई के टाइम पर बातें किया करते थे। इन फिगर 6.37 ट्रायंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी, पता है क्या दे रखा है, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल जो है ना एबीई दे रखा है, ए बी ई और ए सी डी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, तो अब कॉन्ग्रुएंसी वाला याद करिएगा, ये दो थे ना डाउट, ये दो थे पीछे दो, तो अब आप ये देखो कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे कॉरस्पॉन्डिंग, साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो भी इक्वल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है सिमिलर ट्राइंगल्स में, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही इक्वल हो जाती है, ठीक है,
आपको ऐसा ही करेंगे ट्राइंगल ए बी ई कॉन्वर्ट टू ट्राइंगल ए सी डी हो गया। अब देखिएगा कि ट्राइंगल ए बी ई जो है इसमें इसमें ये करेंगे कि पहली दूसरी जो साइड है ना ए बी उसमें ई बी आएगा। हाँ ठीक है, इसकी साइड्स का रेशियो साइड्स लेते हैं जरा, पहला दूसरा अल्फाबेट ई बी, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट ए सी, सेमी कॉलन, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट बी ई, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट सी ई, सेमी कॉलन, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट ए ई और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट ए डी, ये है। और यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा बाई सी पी सी डी ये है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें हमने ये देखा कि ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी डी ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी ई ये और ए सी डी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी से मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, एक तो ये पता चल गया ए बी और ए सी ये पूरी की पूरी साइड ए बी और ये पूरी की पूरी साइड ए सी ये इक्वल है, तो ये पता चल गया। दूसरा बी ई इज इक्वल टू सी डी, ये वैसे मेरे काम नहीं आने वाला, ये काम नहीं आने वाला, इसे छोड़ दो, लेकिन ए ई इज इक्वल टू ए डी, ए ई इज इक्वल टू ए डी, ये चीज़ काम आने वाली है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे यहाँ पर कि इसको दे देंगे यहाँ से इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, और ए ई इज इक्वल टू ए डी, यहाँ तक समझ गए कि नहीं। मतलब मैंने बस ये बीच वाला नहीं लिया क्योंकि ये मैंने काम का नहीं है। क्यों नहीं है काम का, क्योंकि देखो ए बी और ए सी कहाँ मिलने वाला है, हमको क्या प्रूव करना है, ए डी ई ए बी सी के सिमिलर है, हमें ये प्रूव करना है। तो मुझे क्या चाहिए, आप ये देखिए ए बी और ए सी, तो ए बी सी है ना ट्राइंगल, तो मुझे पूरी बड़ी साइड ए बी और पूरी बड़ी साइड ए सी चाहिए होगी, तो इसलिए मैंने ए बी इज इक्वल टू ए सी निकाल लिया, ये मेरे काम का है। इसी तरीके से ए डी ई, तो ए डी ई में ए डी साइड लाई करेगी और ए ई लाई करेगी, तो मैंने ए ई इज इक्वल टू ए डी ये निकाल लिया, ये बी ई और सी डी मुझे नहीं चाहिए उसमें, मुझे ए डी ई में कहीं बी ई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ए बी सी में कहीं सी डी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने बॉक्स को छोड़ दिया। ठीक है, हमने क्या करा, ये और ये तीनों इक्वल हैं बाई सी पी सी डी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, तो मैंने ये दोनों ले लिए। अब लॉजिक लगाना जरा, अब देखना क्या करेंगे, इसको ए सी को ले आओ नीचे, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू वन बन गया, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू वन बन गया। सिमिलरली अब इस ए डी को ले आओ नीचे, क्या हो गया, ए ई अपॉन ए डी, ये भी वन बन गया, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, इतना करके हम क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी ए ई अपॉन ए डी के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही रेशो वन के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। क्लियर है, अब क्या करेंगे, अब मेरे को चाहिए ए डी ई और ए बी सी, ये करना है ना, तो ये दो स्टेप काट दो बस,
ए बी इज इक्वल टू ए सी था ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसको एक्स के बराबर मान लो, इज इक्वल टू एक्स से, और ए ई इज इक्वल टू ए डी है ना, इसको वाई के बराबर मान लो, लिख लो से, ये हो गया ठीक है। अब ये करने के बाद हमने ये कितना कर दिया बता दो, इतना तो समझ गए थे, यहाँ तक तो समझ गए थे। अब इसके बाद आगे चलता हूँ, इसको क्या करेंगे, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर वन ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी इसको लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों को सिमिलर क्यों बोलते हैं, तो लिखिए ना इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए डी ई जो है इसमें क्या होता है कि इसमें मैं लिखूंगा ए डी, पहला दूसरा अल्फाबेट ए डी अपॉन ए बी, बताओ ए डी कितना है वाई के बराबर, तो यहाँ लिखो वाई, और ए बी किसके बराबर है एक्स के बराबर, तो ये वाई अपॉन एक्स आ गया। सिमिलरली दूसरा देखेंगे डी ई अपॉन बी सी, ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मुझे डी ई और बी सी मिल ही नहीं रहा है। पहला तीसरा अल्फाबेट देखिए ए ई, और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट देखिए ए सी, ए ई की वैल्यू कितनी है वाई, और ए सी की वैल्यू कितनी है एक्स, तो वाई अपॉन एक्स। इट इम्प्लाइज दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, बताओ भाई यहाँ तक समझ गए कि नहीं, अब बताओ, बताओ भाई क्लियर है ठीक है। अब जरा देखो क्या क्या मिल गया, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, है ना, एक बार हो गया रेशो, बीच के एंगल कॉमन है भाई, ट्राइंगल ए डी ई में भी यही एंगल लाई कर रहा है और ट्राइंगल ए बी सी में भी यही एंगल लाई कर रहा है, सही है ठीक है, समझ गए। तो ये जो ए एंगल है इसको ए डी ई में क्या बोलेंगे, एंगल डी ए ई, यहाँ लिखेंगे एंगल DAE is equal to angle BAC यहाँ लिखिएगा कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, तो ये क्या हो गया बाई SAS similarity criteria by SAS similarity criteria triangle ADE is similar to triangle ABC, हमें यही प्रूव करना था, समझ गए होंगे शायद, सही है। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बताओ, घर पर पढ़ते ही नहीं हो, डाउट कहाँ से आए, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करते हमारे, कोई डाउट नहीं, पढ़ना शुरू ही नहीं करा होगा, एग्जाम खत्म हो गया तो आप आज खत्म हो गया, हमारी जो मैम है ना आर्डी शर्मा से नहीं करवाती, ये लाइक से करवाती है, कहते हैं आर्डी शर्मा से इतना नहीं आएगा, एग्जाम्पल 17 नोट करेंगे जरा,
एग्जांपल 17 में है, इन द गिवन फिगर इफ BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC perpendicular on AC and CE is perpendicular on AB. CE is perpendicular on AB, comma, prove that comma, prove that first part of triangle AEC is similar to triangle ADB. सेकेंड पार्ट है इसका कि सी ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी ई अपॉन डी बी सी ई अपॉन डी बी फिगर बना रहा करेंगे ट्राई करिए ट्राई करिए Thank you.
पार्ट हो गया, सर सेकंड भी हो गया, तो हो गया सर सेकंड भी हो गया, फर्स्ट पार्ट तुमने कर दिया। सबका हो गया वो तो ठीक है, तो फिर आज फिर इतना ही करेंगे, फिर बाकी फिर कल देखेंगे। ठीक था ना मेरा? बिल्कुल सही, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि उसका ठीक था, क्योंकि ये जो है ये तो बस पूछो मत।